कहा, मैं इस मंदिर की छाँव में खेल कर बड़ा हुआ हूँ। वो मंदिर मेरे लिए उतना ही पाक है जितना एक मस्जिद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जन्नत के बाग में कई किस्म के फूल हैं, लेकिन सबकी खुशबू एक है। वैसे ही हमारे धर्म अलग हैं, मगर हमारा खुदा एक है। टीपू सुल्तान एक पंचगाना नमाजी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नमाज भी कज़ा नहीं की थी। जब टीपू सुल्तान ने मस्जिद आला की तामीर करवाई तो उनके उस्ताद मोहतरम ने एक शर्त रखी कि इस मस्जिद की पहली इमामत वही करेगा जिसने आज तक तहज्जुद नमाज भी कज़ा ना की हो। कोई भी इमामत करने के लिए आगे नहीं आया। तब हज़रत टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़े और अपने उस्ताद से कहा कि आज आपने मेरा राज पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। ये कहकर हज़रत टीपू सुल्तान ने मस्जिद आला की पहली इमामत की। टीपू सुल्तान हमेशा मस्जिद के साइड डोर से अंदर दाखिल हुआ करते थे नमाज के लिए। किसी ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, अगर मैं मस्जिद के मेन डोर से अंदर गया तो हो सकता है कोई मुझे देख कर मेरे एहतराम में खड़ा हो जाए। ये गलत होगा, क्योंकि अल्लाह के घर में हम सब बराबर हैं, इसलिए मैं हमेशा साइड डोर से यानी बाजू के डोर से दाखिल होता हूँ। टीपू सुल्तान हमेशा फज्र की नमाज़ अदा करने के लिए पैदल अकेले निकल जाया करते थे। तो एक बार उनके सिपाहियों ने कहा, हुजूर आप अकेले ना जाया कीजिए, हमें हुक्म दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो हज़रत टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, जब मैं अजान सुनकर नमाज के लिए निकलता हूँ तो उस वक्त मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि जिस रब ने मुझे नमाज के लिए बुलाया है वही मेरी हिफाजत करेगा। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि थर्ड मैसूर वॉर के बाद भी टीपू सुल्तान नहीं झुके और मैसूर पहले से ज़्यादा खुशहाल और तरक्की करने लगा, तो अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हटाने का फ़ैसला कर लिया। अंग्रेज़ जानते थे कि वो टीपू सुल्तान को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने मराठा और हैदराबाद के निज़ामों के साथ मिल के फिर से मैसूर पर हमला किया। ये फोर्थ मैसूर वॉर वो जंग थी जिसने इंडिया की पूरी हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि हिंदुस्तान की आखिरी डिफेंस थे टीपू सुल्तान। जब जंग शुरू हुई तो बहुत लोगों ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया, जैसे मीर सादिक, मीर नदीम, पूर्णे या पंडित। और वो 4 मई का दिन था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज के प्रिपरेशंस देखने निकल गए। उनके साथ कुछ 10-12 खास सिपाही थे और उनका एक ख़ास ग़ुलाम राजा खान भी था। टीपू सुल्तान बहुत बेचैन थे उस दिन, ऐसा जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जहर की नमाज़ अदा करने का वक्त हुआ तो उन्होंने जहर की नमाज़ अदा की और राजा खान ने उनसे कहा, हुजूर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। तो सुल्तान ने कहा, ठीक है लगाओ। टीपू सुल्तान जैसे ही बैठे खाने के लिए और एक निवाला उठाया ही था कि भयानक तोपों की आवाज़ गरजने लगी चारों तरफ से। उन्होंने निवाला नीचे रखा और खड़े हो गए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथियों, वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था। जो मेरे साथ आना चाहे वो आ सकता है और जो ना आए उस पर मैं कोई गिला नहीं करूँगा। तो सब लोगों ने कहा, हुजूर हम आपके लिए अपनी जान हाजिर करते हैं, हम आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेंगे। ये सुनकर टीपू सुल्तान ने कहा, नारा तकबीर। तो सारे सिपाहियों ने कहा, अल्लाहु अकबर, और सब वाटर गेट की तरफ बढ़े जहाँ अंग्रेज़ किले में दाखिल हो रहे थे। टीपू सुल्तान जब वहाँ पहुँचे तो बहुत अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हो चुके थे और उनके साथ जंग शुरू हो गई। टीपू सुल्तान और उनके ख़ास कुछ 10-15 सिपाहियों ने लगभग 500 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग अंग्रेज़ी फ़ौज को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, तो कुछ ब्रिटिश सिपाही किले की दीवारों पर चढ़ गए और गोलियां चलाने लगे। एक एक कर सारे सुल्तान के वफ़ादार सिपाही शहीद हो गए। टीपू सुल्तान भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। फिर अचानक एक गोली उनके दिल के पास लगी तो वो घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनके साथ राजा खान था। राजा खान ने कहा, हुजूर ये लोग जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐलान कर दूंगा कि आप ही टीपू सुल्तान हैं, तो ये लोग आपकी जान बख्श देंगे। टीपू सुल्तान ने कहा, चुप रहो, क्या तुम मुझसे मेरी शहादत छीनना चाहते हो? गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये कहकर सुल्तान फिर उठे और तलवार उठाई और लड़ने लगे। तभी अचानक एक गोली उनके सर में लगी जो उनके सीधे कान के ऊपर लगी थी और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। लगभग इशा का वक्त था। हर तरफ पूरे श्रीरंगापटना में लूट मार चल रहा था और तभी एक खबर आई
कि हज़रत टीपू सुल्तान का जिस्म मिल गया है वाटरगेट के पास। डेविड बर्ड ने हज़रत टीपू सुल्तान के जिस्म के पास खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा ग़ुलाम है, क्योंकि हिंदुस्तान का रखवाला मैसूर का शेर मर चुका है। बेयर्ड ने हुक्म दिया कि टीपू सुल्तान के जिस्म को महल ले जाया जाए पालकी में। जब ईशान की वक्त अजान का वक्त हुआ तो एक बूढ़ा आदमी मस्जिद आला के मीनार तक पहुंचा और उसने अजान देनी शुरू की। वो अजान सुनकर हर आदमी की आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी उदास हो गए। अगले दिन हज़रत टीपू सुल्तान की नमाज जनाजा हुई मस्जिद आला में और जनाजा लेकर गुंबद ले जाया गया। पूरे रास्ते में लोग रो रहे थे, कुछ लोग जनाजे के सामने झुके हुए थे। तिरंगा पटना में हर आदमी, हर औरत, बूढ़ा बच्चा सब जनाजे के उस जुलूस में मौजूद थे। ब्रिटिश कैप्टन रिचर्ड बेली ने अपनी डायरी में लिखा है, जब टीपू सुल्तान को दफन किया जा रहा था तो हम लोगों ने 21 तोपों की सलामी दी टीपू सुल्तान को, तो उन तोपों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि आसमान में ऐसी बिजलियाँ गरज रही थी, ऐसा लग रहा था कि आसमान वाले खुद टीपू सुल्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। और जैसे ही उनको दफन करके हम लोग आगे बढ़े, ऐसा तूफान आया कि लगभग पूरा श्रीरंगापटना डूब गया कावेरी की बाढ़ में। ये थी कहानी हज़रत टीपू सुल्तान की और उनकी ज़िंदगी की। वो जाते जाते पूरी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे गए कि दुनिया कयामत तक उसको याद रखेगी, कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। अगर इस कहानी में या मेरे बताने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए। मेरा नाम शफीक अहमद ख़ान है, मैं एक आशिक हज़रत टीपू सुल्तान हूँ। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत टीपू सुल्तान जैसी बहादुरी नसीब फरमाए और उन जैसी वतन पर शहीद होने वाली मौत अता फरमाए। आमीन। जय हिंद, जय कर्नाटका।